हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं अपने चैनल में आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी। तो रेसिपी है सांभर इडली और डोसा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यू करते हैं और मेरे स्टाइल में बनाते हैं आज। तो देखिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये एक ही कटोरी जो मैंने साइज के लिए ली है, तो उसी कटोरी से आपने दो कटोरी यहाँ पर चावल लेने हैं। जो भी चावल आपके घर में अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। दो कटोरी मैंने सेम मेज़रमेंट ले लिया है ये, और सेम इसी कटोरी से आपने यहाँ पे दाल लेनी है। दाल इसके लिए आपको यहाँ पे साबुत उड़द की दाल चाहिए, जो वाइट उड़द बोलते हैं। जी हाँ, ये देखिए वाइट वाली उड़द की दाल होती है, ये आपको यहाँ पे लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको ये 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है। चने की दाल अगर आप इस बैटर में डालेंगे तो डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और साथ ही यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना भी इसी चीज़ के लिए होता है कि डोसा इससे बहुत क्रिस्पी बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ अब आगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं, 2 कटोरी चावल, दाल, चने की दाल और मेथी दाना। तो अब इसको मैं यहाँ पर एक बड़े बर्तन में ले लूँगी, जिसमें हम इसको अच्छे तरीके से भिगो के रख सकें। यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, जो भी मैंने सारा सामान आपको बताया ये सब भी मिलाना है इसे, और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे पानी से। इसको मैंने 2-3 बार अच्छी तरीके से धो लिया है, ये देखिए। और धोने के बाद अब इसको मैं गैस पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो पानी को हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, पानी को आपने हल्का सा वार्म रखना है कि ये जिस तरीके से डूब जाए इसमें। और जैसे आप दाल भिगोते हैं तो ये तो सभी को पता होता है आइडिया, उसी तरीके से इसको भिगोना है तीनों चीज़ों को। तो यहाँ पे पानी में मैंने रख दिया था गैस पे, और थोड़ा तेज़ पानी करने के बाद मैंने इसे गैस बंद कर दी थी। ये देखिए 2 घंटा मैंने इसको दिन में भिगो दिया था। 2 घंटे के बाद आप इसको देख सकते हो कि ये किस तरीके से फूल चुके हैं, चावल भी और दाल भी। ये देखिए, आप चावल को हल्का सा तोड़ के देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद आप इसको मिक्सी में बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है, एकदम स्मूथ टेक्सचर इसका बनाना है। तो मिक्सी में आप इसको पीस दीजिए, जैसे डोसे का बैटर होता है उसी तरीके से, लाइक इसको बिल्कुल स्मूथ बनाना है। तो यहाँ मिक्सी में हम इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। पहले मेन आपको इसी चीज़ का देखना है कि इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसा ही रखना है। ये देखिए, जैसे आप भल्ले बनाते हो, दही भल्ले बनाते हैं घर में जब दाल पीसते हैं, तो वैसा ही इसका टेक्स्चर रखना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना इसे। ये देखिए एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाना चाहिए, तो बैटर आपका बहुत अच्छा रेडी होगा उससे, और डोसा और इडली जो भी आप इससे बनाना चाहेंगे बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। तो यहीं पे मैंने सारी दाल और जो चावल है ये पीस लिया था सारा। आप इसको अच्छे तरीके से पीस लें और थोड़ा सा पानी डालें इसमें, बिल्कुल भी थिक नहीं बनाना है क्योंकि। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से एकदम स्मूथ बैटर यहाँ पे रेडी हुआ है हमारा। ये देखिए,
और इसके साथ यहाँ पे मैं इसमें जो हींग होती है, हींग पाउडर, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उड़द की दाल बहुत ज़्यादा गैस बना देती है, तो शायद मेरे हिसाब से तो डालना बहुत ज़रूरी है। मैं तो डालती हूँ, आप देख सकते हैं। अगर हींग नहीं आप पसंद करते तो आप नहीं डाल सकते। और यहाँ पे हींग मैंने इसमें मतलब 1 टीस्पून ऐड की है, और इसमें 1 टेबल स्पून आपने सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है यहाँ पे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। उसके बाद और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर ऐसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए हल्का सा दानेदार है, बिल्कुल भी आपने इसको बहुत पतला नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको चेक कर लिया था यहाँ पे, और इसको मैं अब पूरा ओवरनाइट के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसका उफनना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूरे ओवरनाइट के लिए मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। दिन में मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था, उसके बाद पीसने के बाद पूरी रात भर इसको अब मैं बंद करके इस तरीके से रख दूंगी। तो सुबह जो इसमें फ्लफीनेस आएगा वो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब इसको चेक किया था तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी डबल हो गई है, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा फ्लफी हो गया है ये देखो, बिल्कुल स्पून लगाते ही कितना फ्लफी दिख रहा है। तो इसका ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए, तभी डोसा और इडली बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने गैस पे थोड़ा सा पानी रख दिया जिसको मैंने बॉईल किया है, और ये है इमली। इमली जो है सांभर में बहुत ही अच्छा टेस्ट ले आती है, खट्टापन लाती है। तो इमली यहाँ पे मैं गर्म पानी में ऐड कर रही हूँ, ये देखिए उबलते हुए पानी में आप इमली अच्छे से डाल देना, और इसको आप 1 घंटे के लिए रख देना, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और इसका एक ना पानी में ना पल्प बन जाएगा। इमली का हमें पल्प बनाना है, प्यूरी टाइप, जो हम सांभर में ऐड करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे सांभर की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी अरहर की दाल ली है, और ये कुछ वेजिटेबल्स लिए, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसमें बैंगन, घिया और सीताफल, प्याज, आलू, ये सभी ऐड करती हूँ। तो आप और भी कोई वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और अरहर की दाल धोने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे सारे वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ, ये देखिए ये सारे कटे हुए मेरे वेजिटेबल हैं। तो अरहर की दाल के अंदर वेजिटेबल्स डालने हैं पहले स्टार्टिंग, ये देखिए। और पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अरहर की दाल एक विसल आते ही पूरी बाहर आ जाती है। तो आपने पानी ऐसा रखना है कि वो नॉर्मल पहले उसमें अच्छे तरीके से पक जाए, उसके बाद आप उसको पतला भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना सारा जो ड्राई मेरा पाउडर था वो डाल चुकी हूँ। इसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, ये देखिए। तो इसी सबको मैं डाल के यहाँ पे अभी मिला दूंगी। और सांबर मसाला यहाँ पे मैं बाद में ऐड करूँगी, जिसका हम बाद में तड़का लगाएंगे। सिर्फ यही सब चीज़ें डालनी है, उसके बाद यहाँ कुकर को बंद करके मैं गैस पे रख दूँगी। और सांबर हमारा अच्छे तरीके से दाल जो है पक जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी खड़ी खड़ी नहीं दिखनी चाहिए। तो वो हमने बनने रख दिया है। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे तैयारी हो रही है इडली बनाने की। तो इडली स्टैंड तो नॉर्मली सबके पास होता है, ये देखिए, इसी बैटर से मैं इडली रेडी करके दिखाऊंगी। ये जो इडली का मेरे पास मोल्ड है, इसमें मैंने पहले ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने के बाद आप इसमें बैटर इस तरीके से डाल सकते हैं।
इसमें एक एक चम्मच बैटर आपने डालना है, जैसा भी आपका मोल्ड है जितना उसमें आती है क्वांटिटी आपने उतना ही डालना है। और यहाँ गैस पे मैंने एक बड़े पतीले में पानी रख दिया था इडली को स्टीम करने के लिए। तो ये इडली हमारे अच्छे तरीके से मैं लगा चुकी हूँ तीनों लेयर में, और ये पानी डालने के बाद मैं इसको इसमें रख दूँगी। इसका जो इडली स्टैंड है ये पूरा इसके अंदर रखने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी ऊपर से। तो यहाँ पर मैं इसको प्लेट से कवर कर दी हूँ। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में बना सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए फुल गैस कर दूंगी। ये देखिए फुल फ्लेम पर आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया स्टीम करने के लिए, साथ ही हमारा सांभर भी रेडी हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं इसको, 10 मिनट्स हो गए हैं हमारे। इस तरीके से आप टूथ पिक से इसको चेक कर सकते हैं या फोक से भी चेक कर सकते हैं। तो ये रेडी हो चुकी है और इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे इसमें से। ये देखिए थोड़ी देर हम इसको ढक देते हैं और उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है थोड़ा ठंडा होने के बाद। अब मैं ये इडली आपको निकालने के लिए एक सीक्रेट बताती हूँ आज। तो सीक्रेट ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप थोड़ा सा नॉर्मल पानी ले लें और स्पून को आप पानी में लगाते जाएं और उसके बाद इडली को निकालें, तो बहुत ही ईजली और विदाउट कट आपकी इडली आराम से निकल जाएगी। ये देखिए सिर्फ आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाना है स्पून में और आप उसको निकालते जाएंगे। ये देखिए हल्का सा डिप करना है पानी में और कितनी ईजली वो आराम से निकल रही है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जो हमें किचन में पता होने चाहिए, क्योंकि काफी बार ये होता है इडली निकालते हुए टूट भी जाती है। तो ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। काफी फ्लफी हो गया था बैटर तो उसके वजह से काफ़ी अच्छी यहाँ पे इडली बन चुकी है हमारी। तो आ जाओ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इडली के बाद हमारा सांभर रेडी है और सारी सब्जियाँ इसमें अच्छे तरीके से पक चुकी है। बट मैशर से मैं सारी सब्जियाँ एक बार अच्छे तरीके से मैश कर दूँगी, क्योंकि सांभर में सब्जियाँ अगर बिल्कुल दिखती रहे साबुत तो बच्चे नहीं खाते हैं। उसमें आप अच्छे तरीके से उसको सब्जियों को मैश कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सब्जियों को मैंने सारा मैश कर दिया था यहाँ पे, और मैश करने के बाद सांभर कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, और यही साथ के साथ मैंने इमली की प्यूरी जो मैं बता रही थी आपको उसका सारा पल्प निकाल के इस तरीके से रेडी कर लिया है, और इसे मैं यहाँ पे सांभर में ऐड कर दूंगी। ये देखिए इससे सांभर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक खट्टापन आ जाता है, तो बहुत टेस्टी बनेगा सांभर आपका। ऐसे इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए पूरा अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट हम यहाँ पे तैयारी करते हैं सांभर में तड़का लगाने की। तो सांभर में तड़का लगाने के लिए यहाँ ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया था, और ये है हमारे मस्टर्ड सीड्स जो सांभर में बिल्कुल ही चार चांद लगा देंगे और टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने करी लीव्स लिए, करी लीव्स मैं धो चुकी हूँ और ये मैंने अपना खुद का प्लांट लगाया हुआ है, बाहर उसमें से ही तोड़ के लाई हूँ, इसलिए बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश आप डालेंगे तो इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल ही अलग आएगी। तो सबसे पहले तड़के के लिए यहाँ पर मैं हींग डालूँगी, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हींग डाली है।
और हींग डालने के बाद इसमें करी लीव्स डाल देंगे। काफ़ी केयरफुली आप डालिए ये। करी लीव्स डालने के बाद इसमें मस्टर्ड सीड्स मैं ऐड करूँगी, सरसों के दाने भी वो बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं ये 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ये देखिए। तो जब ये हमारा तड़का रेडी हो जाए उसके बाद इसमें हम यहाँ पे सांभर मसाला ऐड करेंगे, ये देखिए। सांभर मसाला ऐड करने के बाद आप ये तड़का तुरंत उसमें डाल दीजिए, सांभर में, ये देखिए। इस तरीके से यहाँ पे छौंक लग जाएगा और एक अलग ही फ्रेग्रेंस आएगी सांभर में। बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से, आप ज़रूर ट्राई करना। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, अब देखिए, डोसा। डोसा मैंने बनाने के लिए बैटर डाल दिया है और बिल्कुल ही लाइटली, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आप राउंड करते जाएं। उसके लिए आपका जो ये नॉन स्टिक तवा होना चाहिए ये काफ़ी तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर ये तेज़ गर्म होगा तभी आपका डोसा एकदम से बनेगा, वरना नहीं तो ये चिपक जाता है बैटर। ये देखिए, इस तरीके से राउंड करते 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 बहुत अच्छे तरीके से डोसा ईजिली घर पर बन जाता है। और इस पर लिटिल बिट यहाँ पे आपको ऑयल लगाना है जो कि ये नीचे वाली लेयर पे चला जाए और उसको एक क्रिस्पीनेस आ जाएगी उसके अंदर। ऑयल जो है उसको नीचे से पूरा सेक देगा, ये देखिए। तो मैं आपको भी जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से डोसा हमारा बन रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसमें बीच बीच में डॉट जो है ये ज़रूर होने चाहिए तभी ये क्रिस्पी बनेगा। आपको बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी। यहाँ पे ये आलू की स्टफिंग मैंने रेडी करी है, नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। ये एक्चुअली मुझे बहुत जल्दबाजी में बनाना पड़ गया, तो फरमाइश पे बना है इसलिए कई लोग मसाला डोसा खाते हैं, कई लोग ओनली पेपर डोसा खा रहे हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर स्टफिंग वाला बना रही हूँ मसाला डोसा, ये देखो। अब ये इस तरीके से पक चुका है और मैं इसको दूसरी साइड से सेकने के लिए पलट दूंगी। तो बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है और कलर देखो आप इसका कितना प्यारा आया है, ये देखो बहुत ही बढ़िया बना है। और हल्का सा ऑयल मैं दोबारा इसमें लगाऊंगी, यहाँ पे बिल्कुल हल्का लगाना है तो नीचे से भी ये हमारा थोड़ा सिक जाएगा। और यहाँ पे आलू मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे, बॉयल्ड आलू से ये बनता है इसका जो अंदर की स्टफिंग होती है, ये नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मुझे काफ़ी जल्दी थी तो मैं बना चुकी हूँ। तो ये इसके अंदर स्टफिंग बनने के बाद ये देखिए हमारा डोसा बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितना प्यारा कलर आया है और टेस्टी तो इतना बना है बहुत ज़्यादा और इतना क्रिस्पी बना है, ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। आप इस तरीके से एक बार बनाना, ये देखो इसकी लेयर काफ़ी क्रिस्पी हो गई है ये। तो इसी तरीके से बाकी के डोसा भी मैंने रेडी कर लिए थे, ये देखिए। तवा अगर आपका गर्म होगा बिल्कुल तो बैटर डालते के साथ ही वो बहुत ही इजीली बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ मैं उसको धीरे धीरे स्पून से घुमा रही हूँ और वो पूरा अपने आप बन रहा है। तो उसी तरीके से ये हम दूसरा डोसा भी बना रहे हैं। तो आप भी फ्रेंड्स बनाइए इसी तरीके से डोसा, इडली, सांभर और अपने घर वालों को खिलाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए, यही मैं सबको बोलना चाहूँगी। तो ये थी हमारी डोसा, इडली और सांभर की रेसिपी। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।